हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप अनिल बिस्वानी के साथ हैं चंद्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर, और जैसा कि आप देख रहे हैं सीटेट 2019 एंड देयर आर सम क्वेश्चंस। दीज क्वेश्चंस आर वेरी नेसेसरी एंड इट माइट बी पॉसिबल देयर दीज क्वेश्चंस माइट रेज इनसाइड यू। तो बेटा, ये क्वेश्चंस जो आपके अंदर उठ रहे हैं उनको आप कैसे जान पाएंगे? जाहिर सी बात है, आपको एक एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी, और मिस्टर आरपी मिश्रा, एज यू नो, इनसे बेहतर कौन हो सकता है जो आपके इन क्वेश्चंस को, जो मेरे मन में भी हैं और मुझे भी पूछने हैं। मैं वेलकम करता हूं सबसे पहले आरपी मिश्रा सर का। और सर, मेरा पहला क्वेश्चन ये है एग्जाम को लेकर के, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन तो मेरे दिमाग में चल रहा है, वो मैं बाद में पूछूंगा। सबसे पहले मैं ये पूछूंगा कि सीटेट और यूपीटेट की परीक्षा में क्या कोई अंतर है, या यूपीटेट की तैयारी जो कर चुके हैं या जिन जो कोचिंग कर चुके हैं, तैयार कर चुके हैं, क्या वो तैयारी इनफ है हमारी सीटेट की एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए, या हमें किसी और दूसरे शिक्षण या मनोविज्ञान और दूसरे एक्टिविटीज़ पे ध्यान देना चाहिए, दूसरे सब्जेक्ट पे भी फोकस करना चाहिए? तो मेरा पहला क्वेश्चन यही है सर, क्या सीटेट और यूपीटेट में कोई अंतर है सर? थैंक यू सर। तो गाइज, जैसा सर ने पहला क्वेश्चन पूछा, तो गाइज अब थोड़ा सा एनालिसिस देना चाहूँगा। देखिए, होता क्या है गाइज, अगर मैं ट्रेन, पहली बात तो आपको बिल्कुल जो अगर पारिभाषिक अंतर बताऊँ, तो ऑफकोर्स ये परीक्षा केंद्र सरकार आयोजित करती है, जबकि ये राज्य सरकार लेती है हमारी यूपी की। ये तो रहा एक पहले एकदम साधारण अर्थों में अंतर। पर गाइज, अगर पैटर्न की बात करूँ, तो जब हम सेलेबस का एनालिसिस करते हैं, तो मुझे नहीं लगता सर कोई बहुत बड़ा अंतर है। पर हाँ, पेपर पैटर्न में बहुत बड़ा अंतर है। जी बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ मैं साधारण शब्दों में कहना चाहूँगा कि जहाँ पे यूपी टेट का पेपर रोट मेमोरी, अगर मैं बोलूँ तो रटंत ज्ञान पे थोड़ा जोर देता है, आपको डेफिनेशंस रटनी है, विचारकों को रटना है, स्टेप्स रटने हैं, परिभाषाएँ रटनी है, वहीं पर विचार परक, व्यवहार परक, व्यवहारिक पक्ष पे जोर देता है सीटेट। देखिए आपको, जी बिल्कुल 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 प्रैक्टिकली, आई मीन सीटेट का जो मतलब क्वेश्चन पैटर्न होता है, वो बेसिकली ये जानना होता है कि कितना बेहतर है आप में टीचिंग एप्टीट्यूड। ये जानना नहीं होता है कि आपको सब्जेक्ट का कितना डीप नॉलेज है। वो जानते हैं कि अगर मतलब वो अज्यूम करते हैं कि अगर आप टीचर बन गए हो तो आप बच्चों को वास्तव में कैसे पढ़ाओगे। तो एक शब्द में अगर मैं इस उत्तर को शॉर्ट में कट करूं, मतलब मानसिक रूप से जी 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 मतलब एक कहने करते हैं अप्लाइड नॉलेज, व्यावहारिक ज्ञान, टीचिंग स्किल। क्योंकि देखिए सर, बेसिकली क्या होता है, 50-50% पे बटा होता है पेपर। तो सिलेबस में देखिए क्या होता है, ऐसा नहीं कि यूपी टेट में शिक्षण के चैप्टर्स नहीं हैं, यूपी टेट में शिक्षण के चैप्टर्स हैं, पर जो पिछले कई सालों के ट्रेंड, जैसे कि आप मेरे बहुत सारे बच्चे जानते हैं, जब मैं पढ़ाता हूँ तो मैं यूपी टेट में भी शिक्षण पढ़ा देता हूँ, मैं कोई चैप्टर नहीं छोड़ता। लेकिन बहुत कम दफ़ा ऐसा हुआ है कि डीप क्वेश्चन पूछे गए हैं शिक्षण से यूपी टेट में, जबकि सी टेट हमेशा शिक्षण पर फोकस करता रहता है। व्यवहारिक ज्ञान दूसरा पैटर्न मैं कहूंगा ये अंतर है कि जैसे मनोवैज्ञानिक हो, जो बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक हैं, जैसे थार्नडाइक हो गए, जो बड़े बड़े सिद्धांत हैं, यूपी टेट जहां उनके परिभाषाएं, उनके सिद्धांतों के नाम पूछता है, बिल्कुल बिल्कुल, वहीं पे सी टेट उन विचारकों पर भी अप्लाइड क्वेश्चन पूछता है। जैसे एक बच्चा गलतियां कर रहा है और गलतियां करते करते सीख जाता है, यह उदाहरण किसका हो सकता है? तो जी, ये थॉर्नडाइक का उदाहरण हुआ कि हर आदमी हर अधिगम त्रुटि और प्रयास के दौर से कुछ, मतलब कि अगर वो विचारक पे भी प्रश्न पूछ रहा है सर, तो वो उस प्रश्न को व्यावहारिक बना के पूछेगा। ये तो रहा, बिल्कुल बिल्कुल, जी 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 जी। एक क्वेश्चन मैं और पूछना चाहूँगा कि इसमें कुछ सब्जेक्ट्स हैं, जैसे शिक्षण है और मनोविज्ञान है, तो मनोविज्ञान के तो आप एक्सपर्ट रहे हैं, शिक्षण भी, तो थोड़ा सा मैं पहला क्वेश्चन, मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि सीटेट में शिक्षण की भूमिका क्या है? क्या शिक्षण के क्वेश्चंस इससे ज़्यादा अंतर रखते हैं, या शिक्षण के क्वेश्चंस पर ज़्यादा फोकस करने से हमें ज़्यादा क्वेश्चंस हम कवर कर सकते हैं और उत्तर लाभ प्राप्त कर सकते हैं सर? सर ने बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन पूछा है, तो मैं गाइज आपको सटीक जवाब देना चाहूँगा बिना बात को घुमाए। 50-50% पे सर बटा होता है सिलेबस, 50% सिद्धांत, आई मीन जो चैप्टर प्रिस्क्राइब्ड हैं प्योर साइकोलॉजी के, वहाँ से आते हैं। 50% जो क्वेश्चन होते हैं वो सीधे सीधे टीचिंग स्किल, या जिसे हम शिक्षण कह सकते हैं, उनसे भी आते हैं। सर होता क्या है
कि शिक्षण, अच्छा ये केवल बाल मनोविज्ञान की बात हम नहीं कर रहे हैं, देखिए हम यहाँ पे अभी बाल मनोविज्ञान की बात कर ही नहीं रहे हैं, पूरा जो सी टेट का एग्ज़ाम होता है उसके हर सब्जेक्ट, भाई आपको 5 सब्जेक्ट कवर करने हैं 30-30 नंबर के, तो हर सब्जेक्ट में 15 क्वेश्चन शिक्षण से आते हैं। फ़र्क नहीं पड़ता कि आप संस्कृत ले रहे हो, इंग्लिश ले रहे हो, आप पर्यावरण का पेपर कर रहे हो, और शिक्षण देखिए ज़्यादातर जो सर बच्चों की शिकायत रही है, ज़्यादातर बच्चे शिक्षण में ही फेल होते रहे हैं। पर गाई जैसा कि थोड़ा सा आप यहाँ पे हम सिलेबस केवल ट्रेंड एनालिसिस ले रहे हैं, तो पिछले भाई मतलब लगातार जैसा मैंने बताया एकदम मतलब 50-50 पे सिलेबस बटा होता है, शिक्षण से 50% क्वेश्चन आते हैं, पर गाइस शिक्षण पढ़ा जा सकता है, शिक्षण पढ़ना काफ़ी आसान है, हम उस पर बात करेंगे। तो सी टेट में सर अगर आपको बोलूं तो शिक्षण की बहुत बड़ी भूमिका है, अगर मैं एक शब्द में बोलूं, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि वो जो व्यवहारिक ज्ञान का मतलब वो जी 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 सैद्धांतिक ज्ञान को भी वो कभी कभी टीचिंग स्किल में चेंज कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, रटंत विद्या पे हम सी टेट पे ज़्यादा जोर नहीं दे सकते, वी हैव टू रिलाई ऑन द प्रैक्टिकल नॉलेज, हाँ हमको बेसिकली निर्भर रहना है अपने व्यवहारिक ज्ञान पे। तो सर शॉर्ट में यही बोलूँगा, शिक्षण बहुत मायने रखता है सी टेट के लिए, और बहुत सारे देखिए गाई जी ये बहुत दुख की बात है, हाँ एक बात मुझे ध्यान आ गई अचानक ही, मतलब बहुत सारे इंस्टीट्यूट आज भी सी टेट के नाम पे यूपी टेट ही पढ़ा रहे हैं। पर मैं चाहता हूँ, देखिए हम यहाँ कोचिंग विशेष का कोई प्रचार नहीं कर रहे हैं, यह एक ट्रेंड एनालिसिस चल रहा है सी टेट के पेपर का। तो मैं सर बाबू यही कहूँगा, आप कहीं भी, हम आपको चंद्रा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के लिए आई मीन फोर्स नहीं कर रहे हैं, पर कहीं भी अगर आप बाल मनोविज्ञान पढ़िए तो आप एक कोशिश एक बार जरूर करिए जानने की कि कोई भी सब्जेक्ट पढ़िए, आई मीन बाल मनोविज्ञानी पाँचों सब्जेक्ट, कि क्या जो टीचर आपको पढ़ा रहा है क्या वो शिक्षण बेहतर पढ़ा पा रहा है, यह पूरा गेम चेंजर होता है सी टेट में। तो ये तो रहा सर शिक्षण की भूमिका। तो मतलब कहने का आपके ये है कि सी टेट और यूपी टेट का जो अंतर आपने बताया कि शिक्षण में जो हमको चीज़ें पढ़नी वो प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ के देखना है, उनमें ये रटना नहीं है कि ये इन्होंने कहा था वो हम भूल जाएंगे, और जब जब उनको हम व्यवहारिक अंदर प्रैक्टिकल लाइफ में देखेंगे तो याद भी रहेंगी चीज़ें, और नियम हम खुद बनाएंगे तो उनको बेहतर समझ पाएंगे। एक क्वेश्चन और है हमारे दिमाग में, वो ये है कि सीटेट 2019 की परीक्षा 7 जुलाई को है, ऐसा तो डेट आप जानते हैं निकल चुकी है, डेट आ गई है, फॉर्म्स फिलअप किए जा रहे हैं, बच्चे सब तैयारी में लगे हुए हैं, क्या ये क्वेश्चन मार्क है कि क्या ये इसी डेट में हो जाएगी, जैसा कि आप जानते हैं पिछले साल पोस्टपोन हुई थी डेट और फिर दोबारा घोषित हुई थी, क्या ऐसा कुछ होने वाला है या आपको लगता है कि ये 7 को हो जाएगी? सर अगर तजुर्बे से कहूँ तो देखिए कई सालों तक साल में 2 बार होता रहा सी टेट, फिर 17 पूरा गैप गया, आई मीन 17 में नहीं हुआ सी टेट। तो देखिए सर जहाँ तक ये मेरा जो मैं भी जो कहने जा रहा हूँ आपको उत्तर देने जा रहा हूँ, देखिए ज़्यादातर केंद्र सरकार के परीक्षा के पैटर्न या डेट्स डिस्टर्ब नहीं होते, पर कुछ कारणों से मतलब पिछला साल थोड़ा डिस्टर्ब रहा, एग्ज़ाम आया फिर दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ, 17 में फॉर्म ही नहीं आया। पर सर मुझे ऐसा पता मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट अब इस कैलेंडर को सुधारना चाहेगी, तो हम लोग आशा करेंगे सर कि जी मतलब हाँ ये अपना आशा करते हैं कि इस बार नियत जो डेट है जो एक जो गवर्नमेंट ने डेट दी है 7 जुलाई की, आशा करता हूँ कि उस दिन एग्जाम हो जाएगा। क्योंकि बार बार ये प्रेसिजन लगता रहा है सरकारों पे कि ये डेट निकाल देती हैं, फॉर्म भरवा लेती हैं, पैसा आ गया अंदर, इसके बाद डेट्स चेंज करती रहती हैं और समय पर एग्जाम्स नहीं हो पाते, इस वजह से बच्चे सफ़र करते हैं, वो समझ नहीं पाते कि तैयारी अभी ज़ोर से करें या आराम से करें, कोचिंग ज्वाइन करें ना करें, तैयारी करें कि थोड़ा सा रुक के करें। तो जैसा कि एक क्वेश्चन और है, हमें कुछ बिंदु आपने बताया इसमें कि क्या ध्यान रखना है ऊपर, और इसके बाद देखिए क्वेश्चन है, कहता हर विषय का शिक्षण अलग अलग है, मतलब किस सब्जेक्ट पर हम ज़्यादा फोकस करें, मैथ्स है उसमें तो कई सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट आती हैं, तो क्या हम 5 सब्जेक्ट आती हैं, क्या 5ों पर हम बराबर फोकस करें, या कोई एक सब्जेक्ट ऐसा है जो ज़्यादा नंबर गेन करवा सकता है उस पर हम ज़्यादा फोकस करें? सर जरा कुछ स्ट्रेटजी बताइए। जी सर ये वास्तव में इसका मतलब इस पूरे क्वेश्चंस का शायद यक्ष प्रश्न है, ये मिलियन डॉलर क्वेश्चन है। एक्चुअली सर अगर फ्रैंकली बोलूँ तो देखिए आपको बता दूँ जो शिक्षण है तो मैं पहली बात तो आपको यहाँ साफ साफ बता देना चाहूँगा कि शिक्षण विषयों में अलग अलग नहीं है। देखिए सर शिक्षण की उत्पत्ति वास्तव में जो होती है वो बाल मनोविज्ञान से ही होती है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब ये क्या होता है कि इसे परिस्थिति निर्माण कर करके गणित में जैसे अब जैसे कहने का ये है कि भाई एक लड़का लिखने में असुविधा महसूस कर रहा है, डिसलेक्सिया अप्रेक्सिया इस तरह के क्वेश्चन आए, तो वास्तव में मनोवैज्ञानिक डिसऑर्डर है,
ये एक प्रकार के डिसऑर्डर। तो मतलब परिस्थिति निर्माण अलग अलग सब्जेक्ट में भले कर दिया जाए, पर एक बात तो साफ है सर कि शिक्षण अलग अलग नहीं है, शिक्षण की एक ही विधा है जिसे वो लोग विभिन्न परिस्थितियों में अप्लाई करके पूछते हैं। और यहाँ आपको एक बात मेरे बच्चों आपको बताना चाहूँगा, माय डियर फ्रेंड्स एंड माय स्टूडेंट्स, देखिए अगर आप शिक्षण पढ़ रहे हैं तो आपको जो बाल मनोविज्ञान में प्रिस्क्राइब सिलेबस है जो भी शिक्षण का, आप उसको पढ़ें एक बार बहुत अच्छे से पढ़ने, और बाकी सारे सब्जेक्ट में उसे अप्लाई करें। वैसे भी गाइज अगर मैं अपने इंस्टीट्यूट की बात करूँ, इफ़ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट चंद्रा इंस्टीट्यूट स्पेशली, तो वी हैव वेरी मच कॉम्पिटेंट टीचर्स, आई मीन ऑल द टीचर्स ऑफ चंद्रा इंस्टीट्यूट आर फुल्ली कंपैटिबल टू टीच यू टीचिंग स्किल्स वेरी वेल, बहुत मतलब पूरी तरह से अभ्यस्त हैं, बहुत सहज हैं हमारे इंस्टीट्यूट के टीचर्स शिक्षण पढ़ाने के लिए। सर यहाँ तो मैं बिल्कुल अपनी तो बात ही नहीं करूँगा सर, पर हमारे पवन सर भी हैं, आशीष सर पर्यावरण पढ़ा रहे हैं, अखिलेश सर हैं, बाकी मतलब जितने लोग हमारे यहाँ पढ़ा रहे हैं, वागे सर के बारे में कुछ कहना ही नहीं है भाई, वो मुझे नहीं लग रहा किसी परिचय के मोहताज हैं। तो हमारे यहाँ शिक्षण की काफ़ी ठीक ठाक क्लास दी जाती है। तो मतलब ये चीज़ है कि भाई शिक्षण, आपको लास्ट में सीधा सीधा आंसर करूँगा, यह शिक्षण अलग अलग नहीं है, इसलिए आपको ये डरना नहीं कि मुझे पाँच प्रकार के शिक्षण पढ़ते काफ़ी मजाकिया लगता है, आई मीन आपको पाँच प्रकार के विभिन्न शिक्षण नहीं पढ़ने हैं, शिक्षण आपको सर एक ही पढ़ना है, एक ही बार अच्छे से पढ़ना है। और दावे के साथ कह सकता हूँ अगर आपने एक बार शिक्षण अच्छे से समझ लिया तो आप उसे खुद विभिन्न परिस्थितियों में अप्लाई कर सकते हैं सर, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन जो मैं पूछना चाह रहा हूँ उसका मेरे ख्याल से आपसे बेहतर कोई और जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि आप चाइल्ड साइकोलॉजी स्पेशलिस्ट भी रहे हैं और कई सालों का अनुभव है आपके पास। तो मनोविज्ञान में अधिकतम अंक मैक्सिमम मार्क्स कैसे गेन हो सर, क्योंकि आप जैसे बता रहे हैं ये डिसाइडिंग होता है, ये डिसाइडिंग होता है, तो इसका मतलब ये है कि इस पर फोकस करें तो हम मैक्सिमम नंबर गेन भी कर सकते हैं। तो सर कुछ ऐसा बताएं कि कुछ ट्रिक्स या शॉर्ट टर्म बातें बताएं या पढ़ाई करने का तरीका बताएं जिससे मनोविज्ञान में साइकोलॉजी में सबसे ज़्यादा नंबर गेन कैसे हो। देखिए सर जैसा आपने कहा एकदम ये बात सही है, यद्यपि मैं विषय पढ़ाता हूँ पर मैं बहुत फ्रेंकली कहूँगा मनोविज्ञान वो विषय रहा है सीटेट में जो बहुत ही परेशान करता रहा है बच्चों को काफ़ी सालों से। मतलब ऐसा नहीं है कि टफ है, इम्पॉसिबल है, बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छी स्कोर करते हैं हमारी, आई मीन लास्ट ईयर का जो हमारा ही रिजल्ट रहा बच्चों ने बहुत 25, 28 नंबर स्कोर किए। एक्चुअली सर अगर सीधा सीधा बोलूँ इसमें अधिकतम मार्क्स अगर आपको प्राप्त करना है तो देखिए कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होगी। पहली बात तो आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, पहली बात तो आपको शिक्षण पे ग्रिप बनानी होगी, आपका नजरिया व्यवहारिक होना चाहिए सर, आपका नजरिया बिल्कुल 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 जी जी बिल्कुल आपका नजरिया व्यवहारिक होना चाहिए। और आप जब प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं आपको ये ध्यान में रखना है कि यह जो कुछ भी पूछा गया है वह आपको इस तौर पर पूछा गया है कि आप एक नियुक्त शिक्षक बिल्कुल और मतलब आपको मान के चलना है कि कक्षा शिक्षण आप कर रहे हो, आप क्लास में हो, आप अगर देखिए सर सबसे बड़ी बात क्या है यहाँ पे आपको अंतः वैयक्तिक बुद्धि जो है आपकी हार्वर्ड गार्डनर की, खुद को बच्चों की जगह रख के सोचना है, ये सबसे बड़ा पॉइंट है अधिकतम अंक प्राप्त करने का। बाकी आपको देखिए सर दो तीन बातें यहाँ अगर क्वेश्चन तो आपको तीन चार लोगों को पियाजे, बाइगोस्की एंड द मैन कॉल्ड कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, चोम्स्की का भाषा विकास और सामाजिक संरचना का सिद्धांत, हाँ इसमें सर क्योंकि अगर आप सारे बच्चे भी जानते हैं लगभग ये तीनों लोग मिलकर अकेले 30% पेपर कवर करते हैं, हाँ बराबर लगभग मतलब दो दो तीन तीन क्वेश्चन आते रहते हैं। इसके साथ साथ आपको डेनियल गोलमैन का हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, उसका पूरा एक चैप्टर ही है सर, तो उससे हर साल लगभग क्वेश्चन आते रहते हैं। दूसरी बात आपको लिंग पूर्वाग्रह जो आजकल मतलब शिक्षा में जो खासकर बालिका शिक्षा पे जो भेदभाव है उसको मतलब महिला सशक्तिकरण को देखते हुए एक चैप्टर डाला गया है लिंग पूर्वाग्रह का, जेंडर बायस कहते हैं हम इसे, मतलब लिंग के बारे में रूढ़िवादी सोच, उसको आप अच्छे से समझ लें। और फाइनली शिक्षण जैसा कि हम लोग फिर नीचे के बात करेंगे एक बार, शिक्षण पर बेसिक फोकस रखें, अप्लाइड व्यवहारिक विचार शक्ति पे जोर दें, रटने पे जोर ना दें, मतलब समझ पैदा करें, लॉजिकल उसको समझें, प्रैक्टिकल लाइफ में उसको अप्लाई करके देखें। और लास्ट क्वेश्चन मैं आपका आज का पूछूंगा मैं आपसे, वो शिक्षण से फिर से रिलेटेड है, क्या शिक्षण के कुछ खास पैटर्न आप हमको बताएंगे
कि किस तरह के क्वेश्चंस उसमें आते हैं और किस तरह हम उस पर ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि जैसे बता रहे हैं डिसाइडिंग होता है। तो सर कुछ प्रकाश डालें इस पर। सर अब लास्ट ये जो क्वेश्चन है ये शायद इसका पूरे सेशन का मास्टर क्वेश्चन होगा, और अब सर मैं आपको थोड़ा मतलब दिखाना चाहूँगा कि किन किन बिंदुओं पे वास्तव में हमको शिक्षण में ध्यान रखना चाहिए। तो मैं एक हल्का सा झलक दिखाऊंगा कि हम कैसे इंस्टीट्यूट में कवर करते हैं। देखिए सर, दो तीन बातें हैं जो हमको शिक्षण में ध्यान रखनी है, और सबसे इसमें सबसे पहली जो ज़रूरी बात है जो मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा सर, यहाँ मैं कुछ पॉइंट्स ले रहा हूँ जो एकदम पूरा शिक्षण का नटशेल दे रहा हूँ। मैंने यहाँ कुछ पॉइंट्स लिख दिए हैं, ये है हमारा जी बिल्कुल, इट्स इंक्लूसिव एजुकेशन, हम इसे समावेशी शिक्षा बोलेंगे। और इसके बाद ये हमारा आ जाएगा ये वाला क्वेश्चन, सॉरी ये पॉइंट आएगा। तीसरा हमारा पॉइंट आएगा वैयक्तिक विभिन्नता। मतलब सर कुछ कोशिश ये कर रहा हूँ कि 10 मिनट में हम मतलब ओके 10 मिनट में हम इस पेपर इसके पूरे पैटर्न को समझ सके। जी बिल्कुल, मतलब अगर आप इतना भी ध्यान रखते हैं तो मुझे दावा है कि आपको आज ही आपकी बहुत सारी समस्याओं को मैं हल करने जा रहा हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल, मैंने यहाँ पे 6 पॉइंट्स लिखे हैं। ये एक ऐसी चीज़ है जिसे मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि मतलब सी टेट का पेपर कभी क्रॉस नहीं कर सकता सर। ये 6 पॉइंट तैयार कर लिए अच्छे से। हाँ जी बिल्कुल, मैक्सिमम क्वेश्चंस ये बिल्कुल, ये आपका ये समझ लीजिए कि गागर में सागर भरने वाली बात है। पेनेसिया रूल बता दिए तो बिल्कुल सर एक बार बता देना चाहूँगा। देखिए सर मैं जल्दी से सीधा बाल केंद्रित, देखिए आपको सी टेट का कोई भी क्वेश्चन आंसर करते समय टीचर को फेवर नहीं करना है, आपको ये भूल जाना है। देखिए मुझे बताते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, मैं भी एक टीचर हूँ। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वर है, फिलहाल आपके एग्जाम के दिन ये काफ़ी बकवास श्लोक रहेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस। जी बिल्कुल हाँ, उस दिन कम से कम नहीं है, मतलब टीचर को फेवर करता हर ऑप्शन गलत होगा। समावेशी शिक्षा आपको बेवकूफ़ बनाएगा विशेष शब्द का प्रयोग करके, एक बच्चा अपाहिज है छत पर नहीं चढ़ पा रहा है आप क्या करेंगे, विशेष कक्षा का प्रबंध विशेष सुविधाएं देना। जी बिल्कुल नहीं, केवल पूरी तरह से अंधे पूरी तरह से गूंगे बहरे बच्चों को छोड़कर शिक्षा सबके लिए सामान्य होगी, और मतलब कक्षा सामान्य होगी और शिक्षा क्या होगी समावेशी, मतलब अंधे मतलब अर्ध अंधे मंद बुद्धि अपवंचित छूटे हुए ड्रॉप आउट्स बिल्कुल डिसेबिलिटीज सारे बच्चों की कक्षा क्या होगी सामान्य कक्षा होगी और समावेशी। वैयक्तिक विभिन्नता, दुनिया के कोई भी दो लर्नर कभी एक जैसा नहीं सीखते, कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता कि दो लोगों का अधिगम की गति एक जैसा हो, इसलिए समानता दिखाता हुआ दो बच्चों में ऑप्शन कभी भी सही उत्तर नहीं हो सकता, और बिल्कुल त्रुटि और प्रयास ये तो इतनी बार आ चुका है सीटेट में मेरे दोस्त, हमेशा अधिगम पहली बार में नहीं होता, कोई इतना परफेक्ट नहीं जो एक बार में सीख जाएगा, अधिगम हमेशा त्रुटि और प्रयास से गुजरता है। पूर्व ज्ञान, बच्चा जो जानता है जल्दी से, जो बच्चा जानता है उससे जोड़ के पढ़ाइए, कैसे कबूतर का राज यही है, बच्चा कबूतर को जानता है क को नहीं जानता, और बिल्कुल और गतिविधि हो सके तो करके सिखाएं। और मैं सर को बुलाना चाहूँगा, मिस्टर वागेश पांडे सर, वेलकम यू सर। थैंक यू वेरी मच। देखिए बिल्कुल वक्त न लेते हुए मैं आपको ये बताऊं कि अगर आपको क्लासेस ज्वाइन करनी है चंद्रा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस चाहिए तो बिल्कुल ये व्हाट्सअप नंबर है, आप संपर्क करिए और पूरा हेल्प मिलेगा आपको। ठीक है, चंद्रा इंस्टीट्यूट के टीचर से पढ़ना है तो ये पूरा हेल्प मिलेगा। बहुत टाइम मैं नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि पूरी बातें बहुत देर से आप सब बातें कर रहे हैं, तो बिल्कुल अगर आपको डेमो चाहिए डेमो ले लो ना यार, छोड़िए पहले डेमो ले लो, आप डेमो क्लासेस ले लीजिए उसके बाद आप ज्वाइन करिए। ओके गाइज, थैंक यू वेरी मच।